ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में, ठीक है, जीव के असाधारण भाव के बारे में इसमें चर्चा है। पहले एक सूत्र से लेकर सात सूत्र तक के, क्रमांक सूत्र सात तक के, सेकंड वाला आठ से लेकर नौवें सूत्र तक के जीव के लक्षण के बारे में है। फिर जीवों के भेद के बारे में है, द्वितीय अध्याय में चर्चा। इंद्रिय क्या होते हैं, इंद्रिया के बारे में चर्चा है, विक्रय गति के बारे में है, और जन्म और योनि के बारे में है इसमें, शरीर के बारे में, वेद के बारे में, और आयु अपरिवर्तन से मरण के बारे में। ये कुल चर्चाएं सूत्रों के द्वारा द्वितीय अध्याय में है। अब हम द्वितीय अध्याय का पहला सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। औपशमिकौ छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस स्वतत्व मोदयिक पारिणामिकौ च। एक बार फिर देखें, औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस स्वतत्व मोदयिक पारिणामिकौ च। आपका प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आ गया। इसमें जो फर्स्ट नंबर वाला सूत्र है, इसमें जीव के असाधारण भाव के बारे में बताए हैं। जीव के भाव, भाव मीन्स परिणाम, हमारे जो परिणाम होते हैं, इसमें उस चीज की चर्चा बताई है पहले वाले सूत्र में। अब वो कौन से भाव होते हैं, हमारे कौन से परिणाम होते हैं? औपशमिक भाव, छायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। ये जीव के स्वतत्व भाव है। क्या है ये? जीव के स्वतत्व मतलब हमारे खुद के ये भाव है, ये भाव हमारे अंदर होते हैं और ये भाव हमारे हैं। जीव कौन है? हम हैं, है ना। हम चारों गति में घूमते रहते हैं, तो ये जीव हमारे ये साधारण भाव हैं। इनके बारे में इस अध्याय में चर्चा है, एक सूत्र से लेकर सातवें सूत्र तक के। इसमें जीव के असाधारण भाव की चर्चा है, हमारे भाव की चर्चा है, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर वाला सूत्र लेंगे जिसमें इसके भेद बताए हैं। औपशमिक भाव के भेद, छायिक के भेद, मिश्र के भेद, औदयिक के भेद और पारिणामिक के भेद, ठीक है। इनके भेद हैं सबके। सेकंड वाला नंबर का सूत्र देखेंगे, द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। आपको प्रोनाउंसिएशन बन गया, पढ़ते हैं ना। तो इसमें इनके भेद बताए हैं। द्वि, ये जो औपशमिक है इसके कितने भेद हैं? द्वि। छायिक है, छायिक के कितने भेद हैं? नौ। नौ मीन्स नाइन, द्वि यानी दो। फिर मिश्र है, मिश्र के कितने भेद हैं? छायोपशमिक जिसे कहते हैं मिश्र, उसके अष्टादश। ये जो अष्टा लिखा ना, इसमें आएगा अष्टादश यानी अठारह, ठीक है। फिर उसके बाद में जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारिणामिकौ च। तो ये मोदयिक मीन्स औदयिक भाव, तो औदयिक भाव जो होते हैं उसमें एक विंशति, एक विंशति मतलब 21, ठीक है। ये शेख है ना, तो शेख में से एक निकलेगा और ये विंशति यानी 21 भाव है औदयिक के। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक से समझ में आ रहा है? आ रही है। ओके, आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो आप फिर औदयिक के जो हमने पढ़े वो कितने भाव है? एक विंशति मतलब 21। और फिर पारिणामिकौ च, पारिणामिकौ में जो पारिणामिकौ उसके त्रिभेदा, आज पारिणामिकौ है उसमें कितने हैं? त्रिभेदा, तीन भेद होते हैं। यथाक्रम मतलब रिस्पेक्टिवली, यानी एक के साथ में, ऊपर वाला औपशमिक के दो, फिर उसके बाद में छायिकौ के नौ, फिर भावो मिश्रच मतलब छायोपशमिक के अष्टादश मतलब अठारह, फिर औदयिक जो होते हैं, औदयिक भाव होते हैं उसके एक विंशति यानी 21, और पारिणामिक भाव जो है उसके तीन भेद होते हैं। तो ये सीक्वेंस में यू हैव टू अंडरस्टैंड एज इट इज, मतलब द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम, अर्थात ये सबको जोड़ेंगे हम। दो प्लस नौ कितने हो गए? ग्यारह। ग्यारह प्लस अठारह कितने हो गए? बीस। बीस प्लस 21 है ना, द्वि नवाष्टा दो प्लस नौ ग्यारह, ग्यारह प्लस अठारह 29 प्लस ये 21 50 और 3 53, 53 भाव टोटल हो जाएंगे। हमारे जो असाधारण भाव है उनकी 53 भावों की चर्चा हमें आज करनी है, ठीक है। हम आगे के सूत्र पे चलेंगे, इसको पूरा कर दो ना।
पूरा तो है ना। हाँ ठीक है, जीव के असाधारण भाव। अब हमें इसे पढ़ना है, औपशमिक के कितने भाव, छाईक के कितने भाव, मिश्र के कितने, और औदयिक के कितने, और पारिणामिक के कितने। उसके हिसाब से उनका पूरा सीक्वेंस इसमें चार्ट दिया हुआ है, जिसे मैं आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल औपशमिक भाव है, औपशमिक भाव किसे कहते हैं, औपशमिक भाव के भेद कितने हैं, वो आपके इसमें चार्ट में आपको समझ में आएगा। तो औपशमिक भाव के कितने भेद हैं, दो। इसका सूत्र आगे आने वाला है, लेकिन इसमें चार्ट में आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो औपशमिक भाव, उपशम यानी क्या होता, उपशम मतलब दरमाना, कर्मों को दबा देना, उसे कहते हैं उपशम। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, उससे आपको तीनों भाव समझ में आ जाएंगे, औपशमिक भी, छाईक भी और छायोपशमिक भी। ये तीनों भाव जो होते हैं, ये उपशम में मोहिनी कर्म के इसमें होते हैं, औपशमिक सम्यक, छायोपशमिक सम्यक और छाईक सम्यक जैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे एक फिटकरी होती है, फिटकरी आप लोग जानते हैं ना, पानी में गंदा हो जाता है, बारिश में बहुत गंदा पानी आता है, तो फिटकरी उसमें घुमा दो, एलम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, फिटके उसमें घुमा दो, तो वो पानी कैसा हो जाता है, पूरा कचरा पूरा मैल नीचे बैठ जाता है और स्वच्छ पानी ऊपर आ जाता है ना। तो ठीक इसी प्रकार आप जब ये फिटकरी घुमाते हैं, हमारे इसमें आप पानी में घुमाएंगे, तो पानी में से मैल गंदा नीचे बैठ जाएगा, और गंदा मैल नीचे बैठ जाने से क्या होगा, स्वच्छ वाला पानी ऊपर आ जाएगा। और आप जब स्वच्छ पानी को ऊपर से छान लेंगे, तो फ्रेश वाला पानी जो विदाउट एनी इम्प्योरिटीज है, वो अलग आ जाएगा फ्रेश बर्तन में आपका, और गंदगी नीचे बैठी रहेगी। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने आत्मा में लगे हुए कर्मों को उपशम करते हैं, दबाते हैं, विशुद्धि परिणाम करके, विशुद्धि मतलब स्वच्छ अच्छे साफ सुथरे परिणाम करते हैं, जिसमें कोई मैल ना है, क्रोध मान माया लोभ कोई उसमें कषाय का मैल नहीं है, और हम विशुद्धि भाव से जब अच्छे परिणाम करते हैं, तो कर्मों का दबन हो जाता, दबा देते हैं उसको, और उस समय फिर हमें उपशम सम्यक या उपशम चारित्र की प्राप्ति हो सकती है। उपशम सम्यक कैसे होगा, हमारे आपको मालूम है मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं, कोई बताएगा मुझे, 28। मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं, 28। मोहिनी कर्म का जो परिवार हमने पढ़ा था ना, ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। इसमें जो सबसे मेन राजा है वो है मोहिनी कर्म, जिसका सबसे ज्यादा मेन रोल है हर चीज में। अगर मोहिनी कर्म की सत्ता नष्ट हो गई, तो केवल ज्ञान होने में टाइम नहीं लगता, 12वें गुणस्तर में सबसे पहले मोहिनी कर्म को ही नाश करना है। मोहिनी कर्म नाश हो गया, तो सारे कर्म अपने आप फिर शांत हो जाते हैं। तो मोहिनी कर्म की 28 का परिवार है, 28 मींस 28। उसमें दो भेद है मोहिनी कर्म के, दो भेद है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, आगे चार्ट में आएगा, आप लोग कॉन्सेंट्रेशन से सुन लीजिए, लिखा है सब कुछ आपको मैंने अवेलेबल करा दिया इसमें पीपीटी में, ठीक है। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक चारित्र, और चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां हैं, ठीक है। दर्शन मोहिनी की कितनी हो गई, 3, और चारित्र मोहिनी की 25 है। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोप, अप्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोप, प्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोप और संजलन क्रोध मान मायालोप, ये तो 16 हो गई, चौकड़ी हो गई 16 कषायों की, और 9 कषाय होती है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ऐसी ये 9 कषाय है। तो ये 28 का परिवार है मोहिनी का। इन 28 के परिवार में से जब आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोप की 4 लेना पड़ता है, अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोप 4 कषाय, और दर्शन मोहिनी की 3 कषाय, ऐसे ये 7 कषायों को लेना पड़ता है, और इनके दबन करने से, इनको दबाने से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसे कहेंगे औपशम सम्यक दर्शन, और जो भाव होंगे उसको कहेंगे औपशमिक भाव। समझ में आया, अभी आपको एक बार फिर से बताएंगे मोहिनी कर्म के बारे में। एक मिनट आगे के इस पे मोहिनी कर्म का पूरा प्रकृति दी हुई है। हाँ ये देखो मोहिनी कर्म की 28 कर्म प्रकृतियां ये चैप्टर में दी है वाले, इसमें पीपीटी में आप सामने देखेंगे, आपको दिख रहे हैं है ना, ये मोहिनी कर्म है, ये मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां लिखी है। इसकी 2 भेद दिए हैं मैंने, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। आपकी आवाज बंद, इसकी आवाज आ रही है, आवाज बंद कर लीजिए, आपका म्यूट कर दीजिए। हाँ बोल। एक मिनट, मैंने म्यूट कर दिया सबको, म्यूट ऑल। हाँ मोहिनी कर्म की 28 कर्म प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, पहले 2 में डिवाइड करा है।
है ना, दर्शन मोहिनी की तीन है, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहिनी की है ये 16 कषाय और 9 9 कषाय। तो 16 कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ वो है जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होने देता, इसके कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती जीव को। जब तक अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ की हमारे अंदर में वो है प्रबलता, तब तक के सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। आपका ज्ञान क्या रहेगा? मिथ्या ज्ञान रहेगा। ये अनंतानुबंधी मतलब जो अनंत अनंत संसार का बंद कराता है उसे कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, जिसमें 6 महीने से ज्यादा हमारा क्रोध होता है, किसी के प्रति हमारी कषाय होती है, हमारा द्वेष होता है, हमारा बैर होता है, वो 6 महीने से ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप समझ जाइए आपके अनंतानुबंधी क्रोध, आपके कषाय आपके अंदर है, मान हमारे अंदर है। अगर हमारे हमारा किसी ने इंसल्ट कर दिया तो हम कहते हैं इसने हमें शादी में नहीं बुलाया था, अब हम इसके भी नहीं जाएंगे। वो हो गए 10-20 साल जब उसने नहीं बुलाया, हम 20 साल तक के भी खींचते रहते हैं, अब इसके नहीं जाएंगे। तो वो है अनंतानुबंधी मान जो हम अपने लिए खींचते चले जाते हैं। अनंतानुबंधी माया भी ऐसी है, मायाचारी कपट करते हैं, छल कपट करते हैं, और लोभ भी ऐसे हमारे पास में अभी हमारे प्रेजेंट के लिए हमारे पास बहुत है, लेकिन हम 10 पीढ़ी तक के अपना जमा करके रखना चाहते हैं परिग्रह को, लोभ इतना होता है। तो ये अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ है जो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने देता। तो यही अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ की 4 क्रम प्रकृतियां और दर्शन मोहिनी की 3, ये वाले मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इन 7 कर्म प्रकृतियों के दबने से, दबाने से उपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। ये 7 कर्म प्रकृतियां मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ की 4, इन 7 कर्म प्रकृतियों को आप जब दबा देंगे, जैसे फिटकरी डाल के हमने कर्म को नीचे बिठा दिया था ना मैल को, ठीक ऐसे विशुद्धि परिणाम करेंगे, विशुद्ध विशुद्ध परिणाम करेंगे, अच्छे स्वच्छ निर्मल परिणाम करेंगे, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आपको क्रोधमान मायालोभ को दबाना पड़ेगा और आपको मिथ्यात को हटाना पड़ेगा, अपने अंदर देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा सिद्धांत पैदा करना पड़ेगा। मिथ्यात कर्म वही होता है जो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने देता है ना, विपरीत श्रद्धान हमारा होता है, कुदेव कुशास गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान होता है उसे कहते हैं मिथ्यात। और सम्यक मिथ्यात किसे कहते हैं? जो मिश्र होता है, मिला जुला, दही और गुड़ के मिला जुला स्वभाव होता है ना, हम वहां गए कुदेव के मंदिर में तो वहां भी सिर झुका दिया, हमारे देवशास मंदिर में आ गए तो वहां भी सिर झुका दिया, विनय मिथ्यात जिसको कहते हैं सब जगह अपना माथा ठोक देना, तो दैट इज कॉल्ड सम्यक मिथ्यात, मतलब मिली जुली सत्ता यहाँ भी है वहां भी है, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम, ठीक है। अब ये सम्यक प्रकृति क्या है? सम्यक प्रकृति वो है कि हम अपने मंदिर में, हमारे ही मंदिर में पूजा करेंगे, ये हमारी वेदी है, हम यही बैठ के पूजा करेंगे, ये हमारे भगवान है, हम इनके दर्शन पूजन करेंगे, मैं इनका ही अभिषेक करूंगा, मैं यही भगवान का अभिषेक करूंगा, ये शांतिनाथ भगवान ही शांति देंगे, पारसनाथ भगवान ही संकट काटेंगे। तो ये हम लोग जो कर लेते हैं, ये सम्यक प्रकृति बुरी नहीं है, लेकिन दोष के साथ में सम्यक दर्शन कराता है, मतलब हमें निर्दोष सम्यक दर्शन की प्राप्ति से नहीं होती। तो ये है मोहिनी का परिवार 25-28 का पूरा, दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की 25, इसको अच्छे से समझिए, ये मोहिनी का परिवार ही आगे आपको पूरी चीजों में काम आने वाला है, काफी बहुत सारे मतलब तीनों जितने भी कर्म प्रकृतियां हैं उन सब में मोहिनी आपको सबसे ज्यादा आएगी काम में, तो इसलिए मोहिनी का परिवार अच्छे से समझ लीजिए, बहुत खतरनाक भी है ये मोहिनी कर्म, सबसे ज्यादा सबको इस दुनिया में 84 लाख योनि में भटकाता है मोहिनी कर्म। जो शराब की उपमा जिसको दिया जाए, शराब पी के हम अपने आप को भूल जाते हैं ना, हमें कुछ होश नहीं रहता है, ठीक ऐसे ही मोहिनी कर्म के उदय से हम हित अहित का विवेक भूल जाते हैं और इस संसार में भटकते रहते हैं, ये मोहिनी कर्म के हमें ध्यान रखना है। फिर अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ आपको समझ गया, फिर उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ उसे कहते हैं जो एक देश चारित्र हमें धारण नहीं करने देता। एक देश चारित्र क्या होता है? 5वां गुणस्थान, अनुव्रत होते हैं ना, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, तो ये हम धारण नहीं कर पाते हैं इसके कारण, तो ये है अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ। आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, देवशास गुरु के ऊपर श्रद्धान हो गया, कषाय हमने मंद कर ली, लेकिन आप अभी भी एक देश व्रत धारण नहीं कर पाएंगे, आपका वो भाव ही नहीं होगा कि मैं देश व्रत को धारण कर लूं, प्रतिमा ले लू, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 11 प्रतिमा तक प्रतिमाएं होती है ना, तो ये अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ है जो हमें प्रतिमा नहीं लेने देता, जो हमें हम एक देश संयम धारण नहीं करने देता। फिर उसके बाद में प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ किसे कहते हैं? जो आपको सकल संयम धारण नहीं करने देता। सकल संयम मतलब साधु, 6ठा गुणस्थान जो होता है ना, 6वें गुणस्थान वर्ती प्रमत्त
प्रमाद सहित जो सकल संयम होता है उसे कहते हैं प्रमत विरत गुणस्थान, वो गुणस्थान आपको छठा गुणस्थान नहीं धारण करने देते, ये प्रत्याख्यान वर्ट क्रोधमान मायालु है। आपने एक देश संयम तो धारण कर लिया, आप एलक चुल्लक बन गए है ना, और लेकिन आप ये फिर मुनि महाराज नहीं बन पाएंगे अगर इन कर्मों का उदय है तो। आप प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ का उदय है तो मुनि सकल संयम आप धारण नहीं कर पाएंगे। एक देश संयम में सारी जिंदगी निकल जाएगी अगर आपने एक देश संयम धारण कर लिया और प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान मायालोभ का उदय है तो आप सकल संयम धारण नहीं कर पाएंगे। अब आपने सकल संयम धारण कर लिया और स्वंजलन क्रोधमान मायालोभ का उदय है तो यथाख्यात चारित्र आप धारण नहीं कर पाएंगे। यथाख्यात चारित्र होता है तेरहवें गुणस्थान में, जो आप बारहवें गुणस्थान के बाद मतलब यथाख्यात चारित्र होगा तो आप केवल दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगर यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ तो आपको ये स्वंजलन क्रोधमान मायालोभ का उदय है तो यथाख्यात चारित्र नहीं होगा, केवल दर्शन केवल ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। तो ऐसे मुनि महाराज जी वो होते हैं जिनको स्वंजलन क्रोधमान मायालोभ के कषाय के कारण जो फिर से ग्यारहवें गुणस्थान से नीचे आ जाते हैं, उनको छाईक मतलब सपक्षिणी नहीं चढ़ के ऊपर नहीं जा पाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं, उनको छाईक केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये हमने मोहिनी का परिवार पढ़ा। ज्ञानवर्ण का मैंने आपको पहले बता दिया था, मति ज्ञानवर्ण, श्रुत ज्ञानवर्ण, अवधि ज्ञानवर्ण और मनपर्य ज्ञानवर्ण, ये ज्ञानवर्णी कर्म के हैं और इसमें कुमति कुश्रुत और कुअवधि भी आते हैं, वो तीन अज्ञान में आ जाते हैं। ठीक है, फिर दशावर्ण कर्म के भी हमने नौ मैंने आपको बताए थे, चक्षु दर्शनावर्ण, अचक्षु दर्शनावर्ण, अवधि दर्शनावर्ण और केवल दर्शनावर्ण, ये तो चार हो गए। और निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान ग्रद्धि, ये पांच निद्रा है जिसके कारण भी आपको दर्शन, जैसे हम दर्शन करते हैं ना। वर्षा कुछ बोलना है तुम्हें? वर्षा कुछ बोल रही हो? नहीं ना, हाँ तुम्हारा रेज हैंड था ना इसलिए। तो हाँ, दर्शनावर्णी कर्म जो है वो दर्शन नहीं देने देता, दर्शन नहीं कर पाते। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, हम शिखर जी जाने के बाद भी लोगों को शिखर जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं, हम मंदिर जाने के बाद भी ऐसी कोई अड़चन आ जाती है कि हम ऊपर नहीं चढ़ पाते, दर्शन नहीं कर पाते। तो ये दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है कि हमें दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। जो इसके पहले तो चार ये वाले भेद हैं, चक्षु दर्शन मतलब आंखों से दर्शन नहीं हो पाना, अचक्षु दर्शन मतलब शेष इंद्रियों से दर्शन होना, दैट इज अचक्षु दर्शन, आंखों को छोड़कर। चक्षु दर्शनावरण मतलब आंखों से दर्शन होना चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन मतलब आंखों को छोड़कर बाकी शेष इंद्रियों से। आग बंद भी कर लिए तो हम समझ जाते हैं बहुत तेज बारिश आ रही है, ठंडी हवा लग रही है, तो बाकी शेष इंद्रियों से हम जो ज्ञान कर लेते हैं वो अचक्षु दर्शन है। फिर अवधि दर्शनावरण, अवधि ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शनावरण कहते हैं। और निद्रा मतलब अब जो इंसान सोता है उसको भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, निद्रा वो निद्रा निद्रा मतलब निद्रा के ऊपर गाढ़ी निद्रा आ जाना, वो निद्रा निद्रा। फिर प्रचला, तो जैसे हम मंदिर में बैठे प्रवचन सुन रहे हैं उसमें झपकी आ जाती है, हम सुन रहे हैं सुन रहे हैं, हम तो जग रहे हैं है ना, नींद आ जाती है झपकी आ जाती है, वो प्रचला। प्रचला प्रचला मतलब गाढ़ी नींद आ जाना, लार वार बहने लग जाना, वो प्रचला प्रचला। ठीक है, तो ये और स्थान ग्रद्धि मतलब नींद में जाके कोई भी काम को कराना, नींद में